हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद सावाज आलम। आपने मना क्लासेस में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोस। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोस का ये हमारा 7th वीडियो है। बाकी 6 वीडियोस लगातार 23 नंबर चैप्टर को डिस्कस करते हुए बनाए गए हैं। इस 7th वीडियो में हम लोग दोबारा उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जिसमें 23.3 नंबर चैप्टर का सॉल्यूशन चल रहा है। 3 के 6 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने पिछले क्लास में बनाया था, यानी लास्ट वीडियो 6th वीडियो में। आज हम लोग 3 का 8 नंबर बनाने वाले हैं। 7 और 8 सेम क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन मैं बात देता हूँ, 8 नंबर क्वेश्चन बनाता हूँ। आप लोग मेरे साथ कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले एक बार पूरे क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद वीडियो को पॉज कीजिए और उसी क्वेश्चन को जो मैंने बनाया है आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। खुद से बना लीजिएगा तो दोबारा वीडियो को चालू करके मैच करके देखिए कि आपने जो बनाया और मैंने जो बनाया उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। ये होगा हमारा प्रिपरेशन का तरीका अगर आप लोग हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं। चलिए तब शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले आप लोगों के साथ हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। 7 और 8 सेम क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ 7 नंबर और 8 नंबर को एक तरह से आप लोग बना पाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन के लिए कोसेक थीटा और कॉट थीटा आपको एक साथ दिख रहा है, तो आप लोगों के माइंड में जो आइडेंटिटी रिफ्लेक्ट करनी चाहिए वो कौन सी है, कौन बताएगा? बोलिए। बिल्कुल सही महिमा ने, बिल्कुल सही कहा। हमारा आइडेंटिटी होने वाला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि वो उस आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन किसी भी आइडेंटिटी को बस लिख देना सही नहीं है, उसका इस्तेमाल उसमें है भी या नहीं है। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आपको पता है और आप लोगों को ये आइडेंटिटी पता है, तो आप लोग कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा निकाल पाइएगा। प्रश्न क्या कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा पूछा है? नहीं, इंडिविजुअली पूछा है कोसेक थीटा और कॉट थीटा के बारे में। पर अगर आप लोग इसमें से कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा निकाल लें तो उस पर दोबारा हम एलजेब्रा का इस्तेमाल करके इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके कोसेक थीटा और कॉट थीटा निकाल सकते हैं। कैसे? सॉल्यूशन में देखें। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को निकालना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, जो कि इस आइडेंटिटी से निकलने वाला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को दो भागों में लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और दूसरा भाग क्या होगा? कोसेक थीटा माइनस इज इक्वल्स टू कितना? 1। इसमें से कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान है √3। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान क्या होगा? वो ये √3 इधर भाग हो जाएगा। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान निकल जाएगा 1/√3। आई होप कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन याद आ रहा होगा ना? पहले क्वेश्चन जैसा बिल्कुल बना, तो बिल्कुल उसी तरह से हम लोगों ने, चूंकि अब कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा निकाल लिया और हमारे पास कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान है, तो हम लोग निकल जाते हैं कोसेक थीटा और कॉट थीटा का मान। इसका तरीका बड़ा आसान है। क्या करेंगे पता है? इन दोनों को देखिए, आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी दिख रहा है ना, तो विलोपन विधि का इस्तेमाल करते हैं और दोनों में जोड़ करके समाधान करके निकाल लेते हैं वैल्यूज। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके नीचे में लिख देते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू √3। सॉल्यूशन स्टार्ट करें। ये हमारा √3 है। देखिए, जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे ये दोनों कट जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा? 2 कोसेक थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/√3 प्लस √3। आप लोगों ने सर्च भी किया हुआ है तो इसका कैलकुलेशन मैं क्विकली कर रहा हूँ, आप लोग घर पे देखिएगा ध्यान से। 4/√3 हो गया, यहाँ पर 2 है वो उधर डिवाइड करेगा, तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या निकल गया हमारे पास? कोसेक थीटा का वैल्यू 2/√3। कोसेक थीटा निकल गया। अब कोसेक थीटा का वैल्यू इसमें दिए गए इक्वेशन में पुट कर देते हैं कोसेक पर। कोसेक की वैल्यू क्या है? कोसेक की वैल्यू है 2/√3 दिए गए इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, प्लस कॉट थीटा, इसकी वैल्यू क्या निकली हुई टोटल? √3। तो यहां से क्या निकल जाएगा? कॉट थीटा निकल जाएगा ना, तो कॉट थीटा की वैल्यू निकाले यहां से, कॉट थीटा की वैल्यू आएगी √3 माइनस 2/√3 बराबर किस तरफ ले जा रहे हैं, इसकी वैल्यू निकाल लिया है 1/√3। कैलकुलेशन आप लोग जानते हैं, खुद से कीजिएगा, हम लोगों ने सर्च में सीखा है। तो ये हो गया हमारा वैल्यू, तो कोसेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू निकल गया। आसान था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन इसी तरह से बिल्कुल हमारा 7 नंबर क्वेश्चन भी बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन, 3 का 9 नंबर। अगला क्वेश्चन 3 का 9 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोगों को क्वेश्चन में पढ़ के बता दूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा का मान निकालना। बहुत आसान है। सबसे पहले बात, जैसे आपको मैं टेन की बात करता हूँ और साइन कॉस दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है ना साइन बाय कॉस, और आप लोगों के पास क्वेश्चन भी बड़ा इजी फॉर्म में दिया गया है। करना क्या है, बस दिए गए क्वेश्चन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 7 है यानी 7/1 कह सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, इधर मल्टीप्लाई करते हैं माइनस तरफ में नीचे में, तो होगा 7 साइन थीटा
प्लस सॉरी माइनस सेवन कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन एक तरफ कॉस एक तरफ, साइन को इस तरफ लेके आएंगे तो सेवन साइन थीटा में से ये इधर आने पर माइनस होगा क्योंकि इधर उधर से ना तो हो जाएगा सिक्स साइन थीटा, जबकि दूसरी तरफ ये सेवन साइन थीटा जब उधर जाएगा तो एड होगा हो जाएगा एट कॉस थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये डिवाइड हम लोगों ने यहां का कॉस इधर डिवाइड किया, जब ये इधर डिवाइड हो रहा है तो ये इधर डिवाइड होगा ना, तो एट के नीचे में ये सिक्स चला जाएगा आ गया इक्वल टू का साइन बीच में जैसा था वैसे रहेगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो गया टेन थीटा, और टेन थीटा का मान कितना हो गया कैंसिलेशन होगा टू टाइम्स फोर टाइम्स थ्री टाइम्स चार बटा तीन आ गया हमारा टेन थीटा कैंसिल। कितना इजी क्वेश्चन था, शुरू करें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दस नंबर, मैं लिखूंगा भी नहीं बनाऊंगा भी नहीं, आप लोग आसानी से सकेंगे। कोसेक और साइन दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, देखिए कोसेक प्लस साइन कोसेक माइनस साइन जिस तरह का ये फॉर्म था लगभग उसी तरह का फॉर्म है, केवल साइन निकालने के लिए दिया गया है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सब आप सब करेंगे और सॉल्यूशन करके कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएंगे कि सॉल्यूशन का आंसर क्या आया, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप लोग अपने वेस्ट बंगाल का ग्रुप देख रहे हैं तो वहां से आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं कि सही आया या गलत, क्लियर है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं, अगला क्वेश्चन तीन का ग्यारह नंबर, अगला क्वेश्चन तीन का ग्यारह नंबर क्वेश्चन। सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का मान पांच बटा तीन, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। बहुत सारे पिछले क्वेश्चंस की तरफ ये भी देख के लग रहा है ना कि बन जाएगा, पर थोड़े कंफ्यूज होंगे, थोड़े मन में डाउट आ रहे होंगे कि कैसे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें। मैं आप लोगों को पिछले क्वेश्चन का रेफरेंस देना चाहूंगा। तीन के चार नंबर क्वेश्चन को देखिए, टेन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान दिया हुआ है, टेन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान पूछा है। अब आप लोग पूछ रहे, आप लोगों के मन में एक सवाल उठेगा, सर टेन और कॉट दिया हुआ है या सेक और कॉस है, सर क्या संबंध है दोनों में, टेन कॉट से सेक कॉस के सवाल को कैसे बनाएंगे, राइट। इस क्वेश्चन का मैं आंसर दे देता हूँ। टेन और कॉट में जो संबंध है वो ये है कि टेन का ठीक उल्टा होता है कॉट, और टेन इंटू कॉट का लेपर वन होता है, जो हम लोगों ने तीन के चार नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सीखा था। ये क्वेश्चन भी सेम चीज फॉलो करेगा, देखिए सेक और कॉस दिया हुआ है, सेक और कॉस पूछा है, अब जिसमें सेक और कॉस दोनों एक दूसरे के उल्टा है, सेक क्या होगा वन बाय कॉस, समझ आया। यानी कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली उसी वे में बनने वाला है जिस तरह से हम लोगों को पिछला क्वेश्चन बना था, उसमें जो हम लोगों ने आइडेंटिटी इस्तेमाल की थी किसी को याद आ रहा है, हम लोगों को जो निकालने के लिए बोला गया था यहाँ पर, जैसे a माइनस बी बोला गया ना, तो हम लोग करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी, याद आया। और इस a b की जगह में क्या होगा, उसमें tan और cot था, tan इनटू cot वन होता है, यहाँ पर sec cos है, sec इनटू cos वन होगा, समझ आ गया। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन, लिखेंगे सबसे पहले sec थीटा माइनस cos थीटा इसका होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a यानी कि यहाँ है sec थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी, माइनस फोर ए की जगह में sec थीटा और यहाँ हो गया cos थीटा। अब देखिए sec थीटा प्लस cos थीटा का मान पांच बटा तीन, स्क्वायर करने पर पच्चीस बटा नौ, माइनस चार sec इनटू cos कितना होता है वन, ठीक है, तो जी ये नौ, तो यहां क्या कर देंगे sec थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू क्या लिख देंगे वन, हो गया। अब इसका लॉस ऑफ ओवर के मान निकालना है, लॉस ऑफ ओवर करेंगे तो मान आने वाला है 25 बाय माइनस 36 डिवाइडेड बाय 9, यहां वैल्यू आ जा रही है नेगेटिव, और किसी के स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव मतलब हम लोग उस क्वेश्चन को नहीं बना सकते, स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव यानी जो नंबर निकालेंगे उसमें नेगेटिव का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, हमारे सिलेबस में वो सब पढ़ाई नहीं है, नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं कर सकते, यानी कि ये क्वेश्चन गलत, तो ये क्वेश्चन गलत होने की वजह से हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर पाए, अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए, लेकिन प्रोसीजर आप लोग सीख गए हैं, अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन के डेटा को बदल के कुछ और देगा तो हम लोग जरूर बना लेंगे। ज्यादातर चांसेस है ना इस क्वेश्चन में 5/3 की जगह में 5/2 हो, और 5/2 करने पर हमारा जो किताब दिया गया है, किताब में जो कैलकुलेशन दी गई है, हम लोग उस आंसर तक पहुंच जाएंगे, तो प्रिंटिंग मिस्टेक और इस चीज के पीछे हम अपना दिमाग और टाइम नहीं लगाएंगे, ये क्वेश्चन यही रहेगा। अगला क्वेश्चन तीन का 12 नंबर, शुरू करें। ये क्वेश्चन अब तक बनाए गए हर एक क्वेश्चन से एकदम डिफरेंट होगा, पूछा गया टेन और दिया गया साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, हम लोग क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, ये आप लोगों के लिए एकदम नया होने वाला है लेकिन इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस तरह का इंट्रोडक्शन आप लोगों ने मैथमेटिक्स में आज तक कभी देखा नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, जो दिया गया एक्सप्रेशन 5 साइन स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9/2, यहां से टेन थीटा को निकालने के लिए हम लोग 9/2 इंटू 1 लिख सकते हैं,
बिल्कुल 9 बाय 2 को 9 बाय 2 इनटू 1 लिख सकते हैं, और 1 का आइडेंटिटी फॉर्मूला बहुत सारे थे, तीन आइडेंटिटी हम लोग इस चैप्टर के स्टार्टिंग में सीखा था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, और यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, क्योंकि वही है ना क्वेश्चन में, तो हम लोग उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन में हो जाने वाला है 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 9 बाय 2 इनटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हम लोगों ने 1 की जगह पर लिखा, हो गया। अब क्या करेंगे, 2 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां और 9 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वहां, 2 के मल्टीप्लीकेशन पे ये हो जाने वाला है 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस स्क्वायर थीटा, और 9 के ब्रैकेट ओपन करने पे हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल जो हम लोगों ने पिछले सवाल में सीखा था, साइन स्क्वायर एक तरफ कॉस स्क्वायर एक तरफ, ये प्लस 9 है, ये बीच में इक्वालिटी है, प्लस 9 जब इस तरफ आएगा 10 के साथ सब्सट्रैक्ट होकर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल सही, 9 कॉस स्क्वायर थीटा था, जब 8 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर की उस तरफ जाएगा ये प्लस हो जाने पर माइनस, तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा कितनी वैल्यू बचेगी, 1, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हुई 1, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी होगी 1, आ गया हमारा आंसर, स्क्वायर रूट करना था ना, समझ आया एक क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग साउंड किया। चलिए अगला क्वेश्चन 3 का 13 नंबर सुन लो, 3 का 13 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन आप लोगों के डेटा में गिवन है टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इसको 10/3, बोला टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, ये चार चार क्वेश्चन में मान निकालना है, चार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर में, तो सब बहुत बड़ा सिर्फ दिखने में है आसान। स्टार्ट किस तरह से करेंगे आप लोगों को पता है, एक आइडेंटिटी जो हम लोगों ने इससे पहले भी इस्तेमाल किया है, आप लोगों को याद नहीं आ रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी एक आइडेंटिटी होती है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, ये होती है आइडेंटिटी, उस आइडेंटिटी पे हम लोग बनाएंगे, शुरू करें। देखिए टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर है, हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, टेन प्लस कॉट का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो गई 10/3, टेन इंटू कॉट होता है 1, तो ये यहां से चला गया, टेन इंटू कॉट हमारा चला गया, ये हो गया सिर्फ माइनस 2 जो बराबर के उस तरफ जाएगा, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, नहीं समझ आया, नहीं ये समझ में आया, ये हम लोगों ने लिखा है टेन इंटू कॉट की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई ना, और ये क्या हो गया माइनस 2, इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई माइनस 2 इंटू 1 यानी माइनस 2, हम लोग बराबर की उस तरफ भेज दें तो ये हो गया 10/3, और बराबर की उस तरफ भेजे तो क्या हो गया प्लस 2 हो गया। अब समझ आया, अभी तक हमारा वैल्यू नहीं निकला है, हम लोगों को लॉस ऑफ करना है, एलसीएम करने पर यह हो जाएगा 16/3, किसका मान स्क्वायर का, स्क्वायर का वैल्यू है 16/3, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इसकी वैल्यू क्या निकलेगी 4/√3, राइट, स्क्वायर रूट करने पर हम लोगों ने स्क्वायर रूट कर दिया, 16 का हो गया 4 और 3 का हो गया √3, हमारा कैलकुलेशन हो गया। देखिए जिस तरह से हम लोगों ने सॉल्यूशन करके टेन प्लस कॉट निकाला है, अगर आपको पता चल गया है तो आप लोग बाकी जो क्वेश्चन पूछे गए थे सब बन जाएगा, पहले इस चीज को एक बार दोबारा देख लेते हैं, क्वेश्चन में दिया गया था टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, हम लोगों ने आइडेंटिटी इस्तेमाल की ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अभी लिखा, जिसमें से इसकी वैल्यू पता है टेन इंटू कॉट 1 होता है, बैठा के उधर भेज के कैलकुलेशन कर दिए टेन प्लस कॉट का मान आ गया। क्या आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की एक और आइडेंटिटी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, इस बारे में पता था, अगर नहीं पता था तो करेक्शन कर लीजिए, ये ऐड करना जरूरी है आप लोगों को, तो बिल्कुल उसी तरह से टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2 टेन कॉट करके आप दोबारा वैल्यू निकलेगी ना, तो वहां से आपको क्या निकलेगा टेन थीटा माइनस कॉट थीटा, फिर आपको टेन प्लस कॉट पता है और टेन माइनस कॉट पता है, तो आप क्या निकाल सकते हैं विलोपन विधि का इस्तेमाल करके टेन और कॉट, चूंकि इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने पहले बनाए हुए हैं, इन क्वेश्चन को हम मैं नहीं सॉल्व करूंगा, आप लोग उन सब चीजों को सीख के इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कीजिए और खुद से बनाए, हर एक क्वेश्चन का पूरा पूरा सॉल्यूशन कर देना, जिस तरह के क्वेश्चन मैंने बनाए हैं अगर मैं दोबारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दूं तो आप लोग क्या सीखते हैं, समझ आया। आप लोग यहाँ वीडियो को पॉज कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट कीजिएगा, कंप्लीट करने के बाद अगर आपको दिक्कत होती है इस सॉल्यूशन करने में तो जाके बैक कीजिए और जहां पर हम लोगों ने बाकी क्वेश्चन को सॉल्व किया वहां से जाके देखिए,
इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए हमारे साथ ताकि आप में इम्प्रूवमेंट आए। चलिए शुरू करेंगे अगला क्वेश्चन 3 का 14 नंबर क्वेश्चन। आज का आपकी क्वेश्चन यानी पार्ट 7 का आपकी क्वेश्चन, साथ ही साथ ये बड़ा इम्पोर्टेंट और वाइटल क्वेश्चन होने के साथ इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये सबसे आसान क्वेश्चन। दरअसल जिस क्वेश्चन के साथ आप लोगों ने चैप्टर शुरू किया था इस चैप्टर को, उसी क्वेश्चन के साथ हम इस चैप्टर को खत्म भी करने वाले हैं, मतलब अभी जो हम लोग आज का क्लास खत्म करने वाले हैं। रिमेम्बर हम लोगों को पहला क्वेश्चन था sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और आखिरी हम लोगों ने जो अभी क्वेश्चन चूज किया ना वो भी sec tan के साथ है, लेकिन वहां स्क्वायर, वहां लीनियर मतलब sec tan था और स्क्वायर पूछा था, यहाँ स्क्वायर दिया हुआ 4 पूछा है। सवाल का सॉल्यूशन करेंगे तब आपको पता चलेगा क्या संबंध है और कितनी आसानी से बनेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए सॉल्यूशन निकाल कर उसका डबल स्क्वायर कर देंगे। नहीं, सारा निकाल के स्क्वायर नहीं करेंगे, क्या करने वाले हैं देखिए, हम लोग एक स्टेप ये लिखते हैं sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग sec टू दी पावर 4 को, और बिल्कुल इसी तरह से tan टू दी पावर 4 को लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उनको लिख सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी, a प्लस बी लिखा हम लोगों ने, चूंकि ये स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर दिखाया, वरना ये हमारा a ये हमारा b है, तो a माइनस बी मैंने लिखा और a प्लस बी लिखा। अब देखिए तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना पता है आपको, 1, सबको पता है, तो हम लोग इस जगह में 1 लिख सकते हैं इनटू इसकी वैल्यू sec स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर वाली क्वेश्चन में दी हुई है 13/12 मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा 13/12, यही है हमारा आंसर। समझ आया, काफी इजी क्वेश्चन था। इसके साथ हम लोग अपने 3 नंबर के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं और यही हमारा इस वीडियो का आखिरी क्लास। अगले क्लास में हम लोग 4 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हो सकता है हम लोग एमसीक्यू के लिए एक और नया पार्ट बनाए और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड और सॉल्यूशन शीट्स का अगर आप लोगों को चाहिए तो हमारे सोशल मीडिया के लिंक पे आप मिल जाएगा, बच्चों के लिए तो यहाँ जॉब्स में अवेलेबल है, आप लोग हमारे पास जॉब्स करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।